नमस्कार, मैं हूं दिवांजलि मोइत्रा। ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा भारतीय सेना का सपोर्ट कर बुरी तरह फंस गई हैं। पीसी का एक ट्वीट उन्हें जमकर सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहा है। दरअसल देसी गर्ल सोशल मीडिया पर भारतीय सेना को सपोर्ट करने की वजह से ट्रोलर्स के निशाने पर आ गई हैं और पाकिस्तानी यूजर्स तो इस बात का मुद्दा बनाकर प्रियंका चोपड़ा को यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर पद से हटवाने की मांग कर रहे हैं। बता दें कि प्रियंका चोपड़ा को दिसंबर 2016 में यूनिसेफ का गुडविल एम्बेसडर बनाया गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर पीसी ने ऐसा भी क्या कह दिया जो पाकिस्तान के लोग उन्हें इस हद तक ट्रोल करने में लगे हुए हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर माजरा क्या है। दरअसल भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे विवाद पर प्रियंका ने लिखा था, जय हिंद। भारतीय एयरफोर्स की तरफ से पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने के बाद 26 फरवरी को प्रियंका चोपड़ा ने एक ट्वीट किया था। ट्वीट में भारतीय सेना को चीयर करते हुए उन्होंने जय हिंद लिखा था और साथ में इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का हैशटैग भी दिया था। इसी ट्वीट का पाकिस्तानी लोग विरोध कर रहे हैं। पिटिशन में कहा गया है कि यूनिसेफ की गुडविल एम्बेसडर होने के नाते उन्हें शांति की बात करनी चाहिए, लेकिन ऐसा ना करके उन्होंने युद्ध की बात की। बता दें प्रियंका के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए पाकिस्तानी एक्ट्रेस अरमीना खान ने लिखा, क्या आपको यूनिसेफ का गुडविल एम्बेसडर नहीं माना जाना चाहिए? सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अगली बार जब ये शांति और सद्भावना के मुद्दे पर बोले तो उन्हें उनकी इस हिपोक्रेसी के बारे में याद दिलाएं। वहीं अरमीना के बाद ही कई पाकिस्तानी यूजर्स ने भी प्रियंका को जमकर ट्रोल किया है। चलिए दिखाते हैं आपको ऐसे ही कुछ ट्वीट्स। कैन द यूएन प्लीज टेक बैक देयर एम्बेसडरशिप फ्रॉम प्रियंका चोपड़ा? सेलेब्स हु फ्यूल वॉर्स हैव नो रीजन टू बी टॉकिंग अबाउट ह्यूमन राइट्स एट एनी फोरम। समवन हु अपेरेंटली वर्क्स फॉर चिल्ड्रंस राइट्स नीड्स टू बी स्कूल्ड अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ वॉर ऑन चिल्ड्रन। से नो टू वॉर। Are or were you really UNICEF goodwill ambassador? I really don't know how an artist can praise military actions and especially while being an ambassador of UN. I don't think this world could ever see peace when peacemakers love wars. You know something is wrong with UN when their goodwill ambassador applauds a blatant line of control violation by IAF MCC that can potentially lead to a war between two nuclear powers. Thank you for supporting war in one of the most densely populated regions of the world. All this will do is create tens of millions of refugees. This isn't about politics, it's about humanity. तो देखा आपने, पाकिस्तानी लोगों ने जमकर प्रियंका पर नाराजगी जाहिर की है। वेल, देखने वाली बात तो अब ये होगी कि ट्रोल होने के बाद इस मामले को लेकर प्रियंका चोपड़ा कैसे रिएक्ट करती हैं। वैसे आपको क्या लगता है, प्रियंका ने ये ट्वीट करके गलत किया या सही? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।